एक खास ऐलान मैं करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, वो ये कि शुरू में मैंने कहा था कि जैसे इम्पीचमेंट फीवर चल रहा है अमेरिका के अंदर, तो इस इम्पीचमेंट फीवर में खामखा इन्होंने इस्लाम को कहीं शामिल कर दिया। हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से या उनकी किसी पार्टी की तरफ से कोई ट्वीट आया जिसमें कि नैन्सी पेलोसी जो हैं वो लीडर ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, वो डेमोक्रेट पार्टी के हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी के हैं, तो इनकी आपस में तगोदौद चल रही है। तो उसमें उनको दिखाया गया कि उन्होंने नैन्सी पेलोसी जो हैं उन्होंने हिजाब पहना हुआ है, और उनके साथ जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उन्होंने मुसलमानों की तरह टोपी पहनी हुई, यानी मुसलमानों वाला उनको तशबीह दी गई। जैसे कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये होक्स है, ये लोग बेईमान हैं, ये गलत हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उनको मुसलमानी लिबास में दिखाया गया, तो जिसकी वजह से काफ़ी मुसलमानों में गम गुस्से की बात हुई कि ये तो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, ये मतलब इसमें मुसलमानों का क्या काम है, झगड़ा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी का, मुसलमानों को आप क्यों बीच में ला रहे हैं। तो वो उसके सिलसिले में हुआ ये है कि ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस 31 जनवरी को जुमे के रोज़ मस्जिद दारुल कुरान में रखी गई है, जहाँ पे ये कहा गया है, ये दरख्वास्त है सबसे कि सब लोग उसमें आए, उसमें ख़ास तौर पे अमेरिकन मीडिया को दावत दी गई है और तमाम हमारे अपने पाकिस्तानी मीडिया को दावत दी गई है, और लीडर्स जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं अमेरिकन, उनको दावत दी गई है। तो एक तो ये एक अजीब सी बात है, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि 30 सेकंड में आप भी कुछ कहें इसके लिए, और मतलब ये गलत काम है, होना नहीं चाहिए, इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए, कहीं कुरान जला देते हैं, कहीं मुसलमानों को इस तरीके से बदनाम करते हैं जिसमें उनका कोई हिस्सा ही नहीं होता। फरमाइए आप। बाकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। इस सिलसिले में बाकायदा प्रोग्रामों में खैर कहता रहता हूँ, और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो भी जो है नेगेटिविटी फैलाई जाती है इस्लाम के खिलाफ या पैगंबर इस्लाम के खिलाफ, उस हवाले से मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकायदा प्रोग्रामों में इस इशू पर बात करता रहता हूँ। बाकी ये है कि अभी जो परवेज़ महमूद साहब ने बताया कि वो जो इम्पीचमेंट के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, उस वक्त में उन्होंने एक ऐसी चीज़ सामने ले आई कि एक को हिजाब में दिखा दिया, दूसरे को टोपी में दिखाया, और सिर्फ बतौर मजाक और इस्तेज़ा के, ये बस ये सपोर्ट करने के लिए नहीं बल्कि इस्तेज़ा के तौर पर ऐसा किया और ये शो किया गया कि मुखालिफ पार्टी ने कि देखो इस्लामोफोबिया आने वाला है और ये इस्लाम का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ये क्या हरकत है। तो गोया कि ये तौहीन की नीयत से ऐसी चीज़ें की गई हैं, तो ये ज़ाहिर काबिले मजम्मत हैं, हम इसको बिल्कुल मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए हो रही है कि इसको कंडेम किया जाए, क्योंकि ये इस्लाम का इसमें कोई दखल नहीं, आपकी आपस की लड़ाई है, उसमें मुसलमानों को बीच में ला के वो दूसरे अपनी अपनी पार्टी के जज्बात को उभारें और उनकी जो हमदर्दियाँ आप लें, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस वक्त इस्लाम जो है ये कुफार के दांतों के नीचे है, जैसे चाहते इस्लाम पैगंबर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली मुसलमान आपस में चूंकि यूनाइट नहीं है, ना मुल्की सतह पर हैं ना इंफरादी सतह में, आपस में यूनाइट नहीं है, यूनिटी ना होने की वजह से मुसलमान कमज़ोर नज़र आता है, लिहाजा इन लोगों को हमारा ठट्ठा उड़ाने का मौका मिल जाता है। इससे मुसलमानों को भी सबक लेना चाहिए कि हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, ना सिर्फ यह को इनफरादी सतह पर बल्कि हमारे 57 जो ममालिक हैं वो भी एक मौक़िफ़ और एक नज़रिए के ऊपर कायम हो। अगर वो इकट्ठे हो गए जब वो OIC के अंदर ये बिल पास कर दें कि इस्लामोफोबिया के हवाले से कोई नेगेटिविटी जो अभी मगरबी दुनिया में आइंदा से हमें सुनने को नहीं मिलनी चाहिए, तो एक ही दफ़ा अगर ये बिल पास कर देंगे तो इंशाल्लाह किसी की मजाल नहीं, क्योंकि ये सब की रोटी जो है मुसलमानों की बरकत से चल रही है। ये तो अल्लाह ने कुरान भी कहा कि अगर जो मुझे मुसलमानों के ईमान के मुतजलजल होने का ख़तरा ना होता तो मैं तो ये कुफार को सोने की ईंटों की सीढ़ियाँ उनकी बना देता, लेकिन रहमान को ख़तरा कि मुसलमान ना घबरा जाएँ कि यार दुनिया इनको मिल गया हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने जो है मुसलमानों को भी दे रखा है। तो गोया कि जो कुछ दुनिया को मिल रहा है ये मुसलमानों की बरकत से मिल रहा है, इन साहिब ईमान की बरकत से अल्लाह बाकियों पर भी जो बारिश के छींटे बरसा रहे हैं, लेकिन मुसलमान चूंकि जो है आपस में यूनाइट नहीं है, उस वजह से जो है वो इन लोगों को ठट्ठा उड़ाने का मौका मिलता है। काश अगर मुसलमान यूनाइट हो जाएं मुल्की सतह पर भी, और जब इंडिविजुअली अपने अपने अभियान अमेरिका के अंदर जो मुसलमान हैं ये कम से कम यूनाइट होकर एक जो है प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठे रहा
کرے ہر بات میں, اور ان کا ایک جو ہے گویا کہ نمائندہ بورڈ ہو, وہ بس وہ آگے جو ہے ریپرزینٹیو بن کے بات کیا کرے, تو یہاں پر بھی کسی مجال نہیں ہے کہ کوئی کسی کو مذاق کے طور پہ سکاپ پہنائے یا مذاق کے طور پہ ٹوپی پہنا دے. لیکن بات یہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان آپس میں ہی جو ہے وہ اپنی ڈگنیٹی کے چکر میں ایک دوسرے کے لگ پلی میں لگے ہوئے ہیں, انہوں نے کیا بگاڑ لینا ہمارا. اس لیے مسلمانوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے اور یہ ان لوگوں کو بھی ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے. یہ جو ہے کسی ملک کے امن اور آشتی کے بالکل منافی ہے. اگر یہ وقت کی حکومتیں ایسی اور یا ان کے چاہنے والی ایسی حرکت کر رہے ہیں تو اس ملک کے وہ امریکہ کے دوست نہیں دشمن ہیں, کیونکہ امریکہ کی آپس کی جو ایک خاص محبت اور آشتی کا جو ایک ماحول معاشرہ ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا چاہیے سیکورٹی اداروں کو بھی کہ ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو تنبیہ کریں. بہت خوب, بہت شکریہ.